गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिन के बज चुके हैं 3 और हम ना उठ गए हैं और ये आ गई है अपने कर्तव्य को निभाने से। और आज इसकी चोटी देखो, ये मैरी कॉम वाली बनाई है। अब ये बुढ़िया काल मैरी कॉम बनने जा रही है। दोनों तो काली काली बन गए हम, और हम दोनों बने काली माता। और आज ना हम घूमने जा रहे हैं। कौन सी झील जा रहे हैं हम? शेषनाग झील। यहाँ पे बहुत फेमस है शेषनाग झील। बाकी मैं वहां जाके बताऊंगी आपको कि क्या है उस झील की खासियत। और वहां ना एक लंगर लगा है, मथुरा वालों का है ना, वो एक भी आइटम नहीं है जो उसमें है ही नहीं। तो आज ना हम वहाँ गजब का तरांडा देके आएंगे। वहां आज हमने जरूर जाना है। तो हम तैयार होके चलते हैं फिर शेषनाग झील। मिलते हैं आपको सीधे शेषनाग झील में। और दोस्तों हम ना लेक के पास पहुंचने वाले हैं। हमें लेक दिख रही है लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला है। और वो बाप रे, वहां तक टेंट लगे हैं। ओ मेरे पीछे है लेक। ये नहीं है, मुझे लग रहा पीछे जाने। यहाँ से बहुत छोटी दिख रही है लेकिन काफी बड़ी है। अब नीचे जाते हैं और देखो सामने बर्फ भी पड़ी है, हिमालय पर्वत मेरे सर के ऊपर। तो चलते हैं, अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। सर्वाइवल चल रहा है क्योंकि अभी तक रास्ते का पता नहीं है कहाँ से है। यही है यार रास्ता, देख ही सकते हैं आप कितना भयंकर है और रिस्की। और ये हमारी आरती, आज हमारी गाइड बनी हुई है। अगर तूने हमें भुलाया ना, तेरे को मैं सुक्की पूजा दूंगी। एक अकी पतुहन सुक्की उक्की। और एक बार ना मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत है, बहुत ही गजब है। इतना भयंकर रास्ता है ना। हम नीचे तो जा रहे हैं, ऊपर कैसे आएंगे हम? बहुत टफ है भाई, समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे लग रहा है हमें, थोड़ा ध्यान से जाना। दोस्तों ये 13,000 फीट की हाइट पे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है। हमें तो वैसे आदत है ऊंचाई पे रहने की, लेकिन जो यहाँ पे नए नए लोग आ रहे हैं ना यात्रा करने के लिए, कितने लोग तो यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमें कुछ नहीं होता, एक तो मैं वैसे ही पहाड़ी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। ऊपर से अब तो आदत हो गई है हाई एल्टीट्यूड में रहने की। तो चलो फिर नीचे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो मैं इनसे इतना आगे आ गई। आरती दीदी जल्दी आ। ये पंजाबन है, प्लेन की है ना, इसको आदत नहीं है। मेरे भी घुटने कंडम हो गए यार, चौंचौ कर रहे हैं नीचे को उतरने में। देखो दोस्तों कितना पथरीला रास्ता है, उबड़ खाबड़ और बहुत भयंकर है। अगर पैर फिसलाना तो सीधे वहां जाएंगे, वो शेषनाग झील में। तो इस झील का भी रहस्य है, आपने YouTube में काफी वीडियोस देखी होंगी शेषनाग झील की, बहुत प्रसिद्ध है। इस जो ये पानी है इसको भी गंगा जल की जैसे ही माना जाता है, क्योंकि ये सीधे ऊपर जो अमरनाथ है वहां से निकल के आता है भोले बाबा के चरणों से। तो लोग अलग अलग चीजें बोलती हैं, कोई बोलता है कि यहाँ पे शेषनाग रहते थे, कोई बोलता है शेषनाग ने खोदा था, कोई कुछ। तो मैं ना दोस्तों पहले यहाँ से नीचे जाती हूँ, उसके बाद मैं इस झील की ना सच्चाई आपको बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना लोकल के, उनसे मैंने ना पता किया कि क्या है इस झील की सच्चाई। तो वहां के लोगों ने बताया है, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। तो मैं आपको आज बताऊंगी शेषनाग झील की सच्चाई क्या है। लोग कहते हैं यहाँ पे शेषनाग भी निकलते हैं, तो नीचे चलते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। हेलो, ये है अक्षया। मैं केला की हूँ, हमारी उधर प्लेन जगह है, इतनी पहाड़ी वगड़ी कुछ नहीं है। इधर तो मुझे नया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लग रही है, मौसम अच्छी है। अब बोल मारा मराठी में, वो केरला में काम कुंगड़ो क्या बोलते हो तुम लोग? हम लोग वैसे मलयालम बोलती है, मलयालम। हाँ, उसी लैंग्वेज में बोलेगा तो बोलती है इतना मनोहर वाणी प्रदेश। शिव भगवान ने वाले मनोहर तीर्थाटन केंद्र ആണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്, മലയാളി ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. തൂനെ ജോ ഭീ ബോളാ ബഹൻ, മേരേ ഭീ സമജ് മേ നീ ആയാ, പർ തേർ കോ ബഹുത് ബഹുത് ധന്യവാദ് കി തൂനെ അപ്നി ഭാഷാ മേ ബോളാ. തോ ചൽ ഫിർ നീചേ ചൽതേ ഹൈ അക്ഷയ, उसके बाद तेरी लैंग्वेज इनको सुनाते हैं अच्छे से ट्रांसलेशन करके। पहुंच गए हम, कुदरत का कहर देखो कितनी खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे झील, और इतना ठंडा पानी होता है ना गाइस, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं लेकिन कोई यहाँ डुबकी नहीं लगाता, बहुत भयंकर है। और देख ही सकते हैं कितनी खतरनाक चट्टाने हैं, और यहाँ की इन लेडीज को तो ना मानना पड़ेगा।
ये देखो कितने हार्ड वर्कर है ये बाबा हो। और ये आरती है ना इंस्टा पे रील अपलोड करने के लिए अपने लिए रील बनवा रही है। इतनी नखरे वाली लड़की है ना। फोटो 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 बस ये देखो इसके नखरे। ओ हो 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 हाई नहीं मैं मर जावा फिट्टे मुंह तेरे। और दोस्तों यहाँ पे फोटो शूट करवा के ना अब हम नीचे जा रहे हैं। अपना लेक थोड़ी सी दूर है, आ जाओ अभी से क्यों पीछे हो रहे हो। हमने यहाँ पे फोटो शूट किया, रील्स बनाई जो कि आप मेरी इंस्टा आईडी में सोल्जर लक्ष्मी के नाम से उस पे देख सकते हो यहाँ का व्यूज और रील्स। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं नीचे। और ये घोड़े वाले भैया से हमने रास्ता पूछा। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? हा? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घोड़े का सामान बेचते। यहाँ क्या करते हैं घोड़े से? नदी में सामान बेचते हैं। क्या करते हैं? कौन सा सामान पता नहीं क्या कह रहा समझ। यही रहते हो इतनी ठंड में? ओ माय गॉड हाय कितना किचड़ हो रहा है। ऊपर से बर्फ का पानी पिघल के सीधा यहीं आ रहा है और ऐसा घाम चंडी फोड़ घाम लगा है। क्या मोहब्बत है क्या नजारा है, कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है। देखो देखो अब करो ना हम पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम। तो कुछ मत रखा है, कहां से जाऊं मैं, कहां को जाऊं? बदबू चिम कहां गई? गाइस नहीं वो कुछ भेड़ मत रखा है शायद, आ जाओ उधर से ही कट मार लो। बहुत मक्खियां भिनभिना रही हैं और इतनी गंदी बदबू आ रही है। छी पॉटी भी कर रखी होगी इन घोड़े वालों ने यहाँ। मेरे गाने की ऐसी की तैसी बना दी, कितना अच्छा मूड हो रहा था मेरा गाने गाने का। और दोस्तों वो ऊपर वाले पहाड़ से आने के बाद इतनी दूर से फाइनली हम पहुंचने वाले हैं झील के पास। थोड़ी ही दूर है, लगभग 200 मीटर है। तो वहां जाते हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कौन सा दिन होगा हम यहाँ जाएंगे। हम एक्चुअली में टाइम नहीं मिल पा रहा था तो आज हम ना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। और बहुत ज्यादा फाक लागना हो, इतनी सांस फूलना है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को। मेरी मम्मी ना गाली करती है मेरी वीडियो देख के, तू इधर उधर घूमते रहती है फेरीते रहती है करके। तो पर मेरे को तो जाना ही है, मैं तो हूं ही फेरुआ। वाह और इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से सूरज चमक रहा है सीधे पानी में और इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे भीड़ चल रही है और आज मैं देख के ये सोच रही हूँ कि ये कौन से आ गए हैं जानवर। और कितना सुंदर लग रहा है, वाओ बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ के। और वो पहाड़ों को छूते हुए बादल तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छा पोस्टर हो जो बचपन में हमारे घर में सीनियरी में होता था। मतलब हमारे घर में पोस्टर लगे हुए थे ना बचपन में, उनमें होती थी ऐसी सीन। तो दोस्तों फाइनली हम शेषनाग जो झील है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो ये जल है ना इसको गंगा जल माना जाता है क्योंकि ये सीधे ऊपर अमरनाथ से होके आता है। तो बाप रे धक धक भी हो रही है मेरे को तो, क्योंकि मैंने इसके बारे में ना बहुत सारी कहानियां सुनी है, आपने भी सुनी होगी। कोई कहता है कि इसमें शेषनाग जी रहते हैं, कोई कहता है ये खुद शेषनाग ने खोदा था, और कोई कहता है कि अभी तक यहाँ पे शेषनाग है, कोई कहता है जब शिवजी और पार्वती ऊपर जा रहे थे तो वो शेषनाग को यहाँ पे छोड़ के गए थे और अभी तक शेषनाग यहीं पे है। तो मैंने ना यहाँ पे जो लोकल रहते हैं उन लोगों से काफी पूछा इस लेक के बारे में और विकिपीडिया यूट्यूब पे भी सर्च किया था। तो शायद मैं यहाँ पे बहुत दिनों से रह रही हूँ तो जो मैं आपको बताऊंगी शायद वही सच होगा, क्योंकि यूट्यूब पे लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं। तो ठीक है पहले हम इस पवित्र गंगा जल को छूते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। जय शेषनाग महाराज, तुम्हारी जय जयकार हो। अगर तुम ये पेन में छो तो अवतार ली महाराज को बैठे आ रही हूँ हम तुम्हें देखने में, शूना मिले तुम्हें देखी ना। दोस्तों ये जो झील है ना
जिसके बारे में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। बहुत लंबी है, बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा चौड़ी है, यहाँ से कम दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ी है। और जो इसकी हाइट है, ये गहराई कितना है? 250 फीट। दोस्तों मैं 5 फीट की हूँ, इतनी बड़ी हूँ, तो सोच लो 250 फीट, मतलब कि वो वाली कहावत है ना, पेट डाला सुई निकल के आई, वो ये बहुत गहरी है। और जो यहाँ पे बोलते हैं ना शेषनाग की कहानी, तो दोस्तों यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि, तो दोस्तों जमुना शिवजी और पार्वती अमरनाथ जा रहे थे, मतलब शिवजी पार्वती को लेके ऊपर उस गुफा में अमर कहानी सुनाने लेके जा रहे थे। तो उन्हें ये सोचा कि ये कथा कोई ना सुने, क्योंकि उस कथा को जो भी सुनता ना वो अमर हो जाता। तो धीरे धीरे ना अपने शरीर से सारी चीजें छोड़ते जा रहे थे। जैसे नीचे अनंत नाग है, वहां पे उनने अपने सारे गले के सांप और नागों को निकाला था, सिर्फ एक शेष नाग बचा था। और गाय जो चंदनवाड़ी है ना, वहां पे उनने चंद्रमा निकाल के रखा था, इसलिए आज भी वहां का नाम चंदनवाड़ी कहा जाता है। और नीचे जो पहलगाम है, आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस प्लेस है, मेरी वीडियो भी आई है पहले, तो वहां पे उनने ना नंदी बैल को निकाला था। पहले उसे बैलगाम कहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पहलगाम कहने लगे हैं। तो इस जगह पे ना ये जो झील है, यहाँ पे उनने शेषनाग को निकाला था, ताकि कोई भी यहाँ से नाग के आगे ना जाए, क्योंकि वो किसी को कथा नहीं सुनाना चाहते थे। तो शेषनाग यहाँ पे रहा, तो उसने यहाँ पे अपने रहने के लिए गड्ढा खोदा, इसलिए ये इतनी गहरी है, 250 फीट। आपको पता ही है शेषनाग कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पे रहता था। और इसमें ना इतना पानी भर गया, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है और अमरावती नदी का पानी आता है, तो पूरा यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो यही है इसकी कहानी। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे शेषनाग दिखता है, तो मुझे तो नहीं लगता दिखता है, क्योंकि शाम को एक दिन, कल परसों एक दिन बीच में कुछ ऐसे काली छाया जैसी दिखी थी। तो मेरे ख्याल से जब दिन ढलता है ना, तो ऊपर वो पहाड़ है, तो सूरज जब जाता है तो उस पहाड़ की छाया इस झील पे पड़ती है, तो लोग बोलते हैं कि वो नाग दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहम ही हो सकता है मेरे ख्याल से, बाकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई लोग भरोसा करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ की जनता से पूछा तो मेरे को यही लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो जल है ना, इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, जैसे हरिद्वार गंगोत्री वगैरह का मानते हैं, क्योंकि ये सीधे ऊपर से आता है, तो बहुत शुद्ध जल है। आप यहाँ हो तो इस झील के पास जरूर आना, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और पवित्र गंगा जल है। तो हम यहाँ से आगे जाते हैं, झील के वो किनारा दिख रहा है ना, वो उस किनारे हम जाएंगे उस पार, एक चीज मिस हो गई, ये जो झील है ना, इसका आकार शेषनाग की तरह है, ये पूरा गोल है ना, ऊपर से बीच से ना एक पतली पूंछ जैसी निकलती है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो झील है, इसका आकार शेषनाग की तरह है, ये नीचे से पूंछ जैसी निकली हुई है और ऊपर ये पूरा तालाब है पानी का भरा हुआ, तो इसलिए इसे शेषनाग झील कहते हैं। हमने यहाँ इतनी सारी फोटो खींच ली है ना, आपको बताइए, मैं तो कितना फोटो खींचती हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक है, और बहुत सारी रील भी बना ली है। और ना यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं आगे, और वो ना इस चिल पानी में बिल्कुल नंगे पैर जा रहे हैं, तो मैं उनके पास अपना कैमरा लेके जा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, बड़ा मजा आने वाला है वीडियो में। ओए जल्दी आओ, वो भाग ना जाए, मैं दौड़ के उनको पकड़ती हूँ। भैया रुको, भैया रुको, उनसे ना मैं थोड़ा लेक के बारे में और कुछ पूछती हूँ। हाय, क्या कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो? गाइस ये लोग मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे। हाय, मछली है क्या इसमें? कहाँ है दिखाओ। इस वक्त डूब नहीं है, एक भी नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। आप सब मछली पकड़ने आए हो भैया? वीडियो में नहीं आना, क्यों? तो दोस्तों सर आपको ना इस शेषनाग झील के बारे में बताएंगे, इसमें सच में शेषनाग है क्या? है, कभी नहीं देखा? यहाँ को करके बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। लोग बोलते हैं हमने कभी देखा नहीं, पर आप तो यहीं रहते हो? ना यार, यहाँ पे कोई नहीं रहता। वहाँ वो टेंट किसके लगे हैं? वो लोकल टेंट लगे हैं। आपने सुना तो होगा, कभी देखा है? सुना है, बहुत लोगों ने देखा है। सच में देखा है? नदी से निकलते हुए बीच से, वो कृष्णा वाले स्टाइल में टूनू ऐसे वाला, सच में निकलता है, बोला यार इनमें शेषनाग। मतलब आपने ना जिसने देखा उसके मुंह से सुना है, ऐसे ही सुना है? सुना। अच्छा, नहीं, इनने बोला है कि जिनने देखा है उनके मुंह से सुना है, ये वही बोल रहे हैं कि हमने सुना है, किसी ने देखा था, पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना ऐसी कहानियों पे, और हो भी सकता है। और ये देखिए ये कहाँ पहुँच गए हैं, ठंडा नहीं हो रहा है क्या आपको?
पानी ठंडा नहीं लग रहा? ये तो बर्फ का पानी है। ये बर्फ का पानी है, इस साइड गर्म है। इसमें कौन सी मछली होती है इस झील में? ब्राउन ब्राउन थ्रॉट। आप रोज पकड़ते हो? अच्छा, उसमें बोन नहीं होती, वो कांटे नहीं होते? कांटे कुछ। अच्छा सर, आप मुझे बताना, इसमें सच में कभी शेषनाग निकला है क्या? मैंने 2-3 बार देखा। देखा? देखा मैंने। कितना बड़ा? जैसा बतख का माथा होता है वैसा ही वो निकलता है, एक माइल उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा। आपने कहाँ पे देखा था? हमने देखा था जहाँ वो बर्फ है ना। अच्छा, उधर बर्फ के पास जितना बतख होता है, बतख के माथे के बराबर। कितने सर थे उसके? 7 माथे। 7 माथे। अच्छा, मतलब कभी न? हाँ, भीड़ में वो नहीं निकलता। अच्छा, लोग होते हैं, कम लोग होते हैं तब वो निकलते हैं। जब कम लोग होते हैं तब निकलता है, ठीक है। तो ये पानी तो बहुत शुद्ध माना जाता है ना? शुद्ध, प्योर। बहुत शुद्ध है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पवित्र गंगा जल, बहुत पवित्र। देखा गाइस, है यहाँ पे शेषनाग, पर वो बड़ा नहीं है, जो टू वो कृष्णा वाला बोलते हैं, छोटा छोटा है। तो आज ना हमें यहाँ हमारी किस्मत से लोग भी मिल गए। 1.5 घंटा वो निकलता रहता है। अब बोलो, वो जो शेषनाग होता है ना, वो 1 घंटा 1.5 घंटा निकलता रहता है। अच्छा, पूजा भी करते हैं? हाँ, पूजा भी करते हैं। तो वो शाम के टाइम जब निकलता है, शाम के टाइम, तब तो उसके माथे पे लाइट होती है। अच्छा, 7 कलर के 7 लाइट। आपने देखा है? मैंने देखा है। अच्छा। मगर उस वक्त यात्रा सिस्टम नहीं था। यात्रा सिस्टम, जहाँ हम रोड वाइडिंग के बारे में यहाँ आए रोड बनाने के लिए, तभी तो हम 7 लोग थे यहाँ, तो हम रोड बनाते थे तो शाम के टाइम निकला। अच्छा। उसके बाद 2-3 साल के बाद हमने देखा दिन में। अच्छा। जहाँ वो पानी आ रहा है ऊपर से। अच्छा, वो उधर वही पानी से निकल गया, आधे झील में ही वो गायब हो गए। मतलब सच्चाई है? सच्चाई है, निकलता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि अफवाह है। कई लोग बोलते हैं अफवाह है। हमने देखा, कसम से 2 बार। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने अच्छे से बताया। गाइस, मुझे भी नाग देखना है। हम बचपन में ऐसा ही करते थे। हाय नाग देवता, प्रकट हो, चल। मैं नागिन तू सपेरा, हे नागराज प्रकट हो, अपने दर्शन दे। पर अच्छा लगा यहाँ के दोस्तों। तो अब ना हम यहाँ से जाने आरती, अब हम कहाँ जाएंगे? और वहाँ जाएंगे भंडारे में। क्या करोगे वहाँ? वहाँ जाके हम अलग 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 पकवान खाएंगे, त्रांडा देंगे, त्रांडा। अभी तो हमने खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, वो वाली। किसके आगे फोटो खींचने की? और ऊपर पहुंचना है, वहाँ लगे हैं लंगर। आज हम जाएंगे मथुरा वाले लंगर में, मथुरा वालों का लंगर लगा है और सारे आइटम है, तो आज ना वहाँ त्रांडा देते हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अब झील से हम ऊपर को जाते हैं। अब ना फांका लगने वाला है फिर से, और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, तो ऊपर जाके ही कैमरा खोलेंगे। प्यारी बच्ची आ गई यहाँ पे, क्या नाम है आपका? सुफायरा। और आपका? फातिमा। फातिमा, कितने क्यूट हो आप, यहीं रहते हो? देखना, लोग इधर ही रहते हो? आपने देखा यहाँ पे नाग कभी? देखा नाग है? कैसा करता था बताओ फिर? ऐसा बताओ फिर, आपकी फोटो आएगी इसमें, जल्दी बताओ। यहाँ को देखो, यहाँ को देखो, फिर फोटो खींचते हैं। यहाँ देखो, बाय बाय करो। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं सीधे ऊपर। बहुत मजाक हो गया नाग देवता, जितनी भी मजाक की मेरे को माफ कर देना, आरती को भी माफ कर देना, अक्षया को भी माफ कर देना, खैर उसने तो कुछ किया ही नहीं। मेरा बैग लाई? हाँ। और बाबा, जितने भक्तजन मेरे देख रहे हैं ना आपकी वीडियो, और ये शेषनाग देवता, सब लोगों का भला करना, सबकी मनोकामना पूर्ण कराए, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। पता ही नहीं था हमें यहाँ बच्चे भी मिलेंगे, वरना हम आपके लिए ट्रॉफी लेके आते है ना। स्कूल नहीं जाते हो आप लोग? नहीं पढ़ते हो स्कूल? क्यों नहीं जाते हो?
अच्छा नहीं लगता स्कूल? लगता है? तो क्यों नहीं जाते हो बताओ, क्यों नहीं जाते हो स्कूल? कोई नहीं भेजता? नहीं भेजते स्कूल? मेरे साथ चलोगे? मैं भेजूंगी आपको स्कूल। नहीं चलोगे? ओहो, चलो कोई बात नहीं फिर, ठीक है, बाय बाय। ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला। और ये सीधे जाएगा पंचतरणी, वहां तक हेली सुविधा है, तो जो जाते पैदल नहीं जाते हैं या घोड़े पे नहीं जाते हैं तो वो सीधे, जिनका अच्छा खासा बजट है वो सीधे हेली से पंचतरणी जाते हैं। और अब हमें ना ये बाप रे पहाड़ पार करना है। ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत खतरनाक का है, बहुत भयंकर पटाई लग गई है दीदी, खन चढ़कने हो गए पैर। हाँ यही है बहन, आ जा। कोई नहीं, धीरे धीरे चलते, हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद होगी हमारी पेट पूजा। तो देखते हैं कि खाने में क्या क्या बना है, लंगर में क्या मेन्यू है, उसके बाद मैं आपको अपना सीधे ऊपर पहुंच के दिखाऊंगी, क्योंकि अब हती हो गई है, ताकत ही नहीं बची, बाप रे खतरनाक ही हो रहा है। और दोस्तों मैं आपसे हर बार बोलती हूँ कि मैं ऊपर जाके कैमरा निकालूंगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं विपत्ति वाली। अब अभी सूचे पहाड़ में ना हम रास्ता भूल गए हैं, सब एक जैसा लग रहा है, तो ये पत्थरों के बीच में ना तिरछा तिरछा निकल रहे हैं, अब पता नहीं रास्ता मिलेगा या नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ अभी बहुत दूर है और बोलने की भी हिम्मत नहीं है, ऐसा फांका लग रहा है इस खड़ी चढ़ाई में। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, बाप रे इतनी पटाई लग गई, और मैंने टोपा डाल लिया क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है ना, शाम को सर दर्द हो जाएगा इसलिए। और ये ना मैं वीडियो बनाने में आगे रह गई, और ये लोग ये लोग ना पहली बार मुझसे आगे गए हैं, और इतने में इतना उफली रखी है जैसे कि एवरेस्ट इसी ने चढ़ लिया। तो दोस्तों इतनी पटाई लग गई है, फाइनली हमने शेषनाग झील देख ली और हिट कर दिया, हिट कर दिया। आगे हम ऊपर, महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो, बम बम भोले। तो दोस्तों ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है, प्लीज। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो आपका एक एक कमेंट ना मिले बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज जरूर बताइए। ओके गाइस, अब आगे जाके मिलते हैं। जो त्रिशूल लेके ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, शाम का टाइम होने वाला है, तो सब लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ना हम भी इस लंगर में घुसते हैं। ड्राई फ्रूट वाला समोसा, उसमें टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अरे ये क्या है, ये क्या है? तो एक में खाया ना, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारी वैरायटी नहीं है, तो हम ना हम दूसरे वाले में आ गए हैं। ये पानी का थरिया ना मानो का लंगर, अब इसमें खाते हैं। बम बम बोले, इनमें क्या है? शोले, ये क्या है? ये गाजर का लग रहा है ना, ये आंवले का।
ये क्या है? ये किस चीज की खीर है? खानी है अलग ना। और अपना हम ये खीर को, साबुदाने की खीर को तरांडा देंगे। आ नहीं सकते क्या? मैं बोल रही मैं लोग कैसे सोए हुए हैं यही लंगर में, बेचारे इतना चल के पैदल थक चुके हैं, खा के यहीं पड़ गए हैं।